हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जीके को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रमुख पवनें और उनके संबंधित स्थान। हवा जो इनकी ये प्रकृति दी हुई है, गर्म हवा, ठंडी हवा, शुष्क हवा, और ये कहाँ किस स्थान पर बहती हैं, जैसे उनके नाम। चिनुक जो है गर्म हवाएं होती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा में होती हैं। हर्मटन ये भी गर्म हवाएं हैं, यह सहारा मरुस्थल में होती हैं। हर्मटन नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में गर्म और शुष्क हवाएं। लू जैसे कि आप जानते हैं, लू गर्मी में चलती है भारत में, उत्तर भारत में, तो लू की प्रकृति गर्म होती है और यह उत्तर भारत में बहती हैं हवाएँ। विली विली ठंडी हवाएं हैं और इन यह ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। और मिस्ट्रल का नाम है, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवाएं जो स्पेन और फ्रांस में होती हैं, ठंडी हवाएं हैं। और सामून ईरान में गर्म हवाएं होती हैं। फोन स्विट्ज़रलैंड में, यह भी गर्म होती है। आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे फोन, विली विली फोन स्विट्ज़रलैंड में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और हर्मटन सहारा मरुस्थल में। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड और लू आपको बताइए भारत में। इसके कुछ पर्वत श्रेणियां और उनके शिखर देख लेते हैं। पर्वत श्रेणी जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रेणी है उत्तरी अमेरिका में। एंडीज दक्षिण अमेरिका और रॉकी उत्तरी अमेरिका में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, हिमालय पर्वत श्रेणी का। काराकोरम केटू या गुडविन ऑस्टिन यह भारत में है। कंचनजंगा यह भारत में है। हिमालय भारत, चीन और नेपाल के, इन देशों के उसमें आता है। मकालू नेपाल और चीन में जो पर्वत श्रेणियां हैं वे हैं। आल्पस इटली और स्विट्ज़रलैंड की में जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें कहते हैं आल्पस। लाहत्से नेपाल में है। काकेसस जॉर्जिया, एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कंचनजंगा भारत में, और आल्पस इटली और स्विट्ज़रलैंड में, लाहत्से नेपाल में है, और एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है।